नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात पांचवें चरण के रण की, जो खत्म हो चुका है। जनता ने अपने मत से मैदान में उतरे सभी 693 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर दिया है। जिन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हुआ है उनमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर राजा भैया जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। लेकिन कम हो रही वोटिंग कई सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि चरण दर चरण वोटिंग कम हो रही है, जो पिछली बार के मुकाबले बहुत कम है। अब कम हो रही वोटिंग किसे फायदा पहुंचाएगी, किसे नुकसान, ये 10 मार्च को पता चलेगा। खत्म हुआ पांचवा फेज, जनता के बीच किसका क्रेज? छह सौ 693 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। ग्यारह जिले 61 सीट, किसको मिलेगी लीड? जिस पांचवें चरण की लड़ाई को सबसे निर्णायक माना जा रहा था, वो खत्म हो गया है। जनता ने अपने वोट से मैदान में उतरे सभी दिग्गजों के साथ 693 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर दिया है। और अब सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई है। शाम 5 बजे तक 53.98% मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक जनपदों से जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उसके आधार पर प्रदेश के इन 12 जनपदों में कुल 53.93% मतदान हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों के क्रम में निष्पक्ष, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण चुनाव हेतु व्यापक इंतजाम एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई। पांचवा चरण इसलिए भी अहम था क्योंकि इसमें कई दिग्गजों की साख दांव पर थी, जिसमें योगी सरकार के 7 मंत्री शामिल है। इनमें सबसे बड़ा नाम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का है, जो सिरातू सीट से मैदान में थे। वहीं कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी, कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह, समाज कल्याण मंत्री रमापति। कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, वहीं सवाल कम वोटिंग का भी है, जो बड़े सवाल खड़े कर रहा है। लगातार चरण दर चरण वोटिंग प्रतिशत गिर रहा है। अब तक 5 चरण में मतदान हुआ है, हर चरण में ये मतदान पिछली बार के मुकाबले कम हुआ है। यही वजह है 5 फेज की वोटिंग के बाद भी ये साफ नहीं हो पाया है। इस बार 10 मार्च को ऊंट किस करवट बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात कुंडी मत खड़काओ राजा की, क्योंकि अब तक 5 चरणों का मतदान हो चुका है, लेकिन आज जो कुंडा में हुआ है वो पहले किसी चरण में नहीं हुआ। क्योंकि जब पांचवें चरण के लिए वोट डाले जा रहे थे, तब सपा उम्मीदवार गुलशन यादव के काफिले पर हमला हुआ।
इस हमले में कई गाड़ियां टूट गई। गुलशन यादव ने इस हमले का आरोप कुंडा से 6 बार के विधायक राजा भैया पर लगाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राजा भैया और अखिलेश यादव की अदावत नया रंग ले रही है। कुंडा की बाहुबली लड़ाई, अखिलेश के गुलशन पर गोली किसने चलाई? हाँ, मेरी गाड़ियों पे फायरिंग की गई, एकदम जानलेवा हमला हुआ। सपा के काफिले पर हमला, अखिलेश लेंगे बदला। कुंडा में हमला किया गया, हमारे पार्टी के उम्मीदवार गुलशन यादव के ऊपर उसकी गाड़ी तोड़ दी गई। कुंडा में कुंडी, 22 में किसकी किले बंदी? यहाँ पर जो लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी न खोल पाए। जो जिस भाषा में समझे, फिर उसमें से कुछ लोग सरकार हमको गलत फहमी दूर कर दे, सरकार ने बना किया है, बने दे। जिस कुंडा में पिछले 3 दशकों से एक छत्र राजा भैया का सिक्का चलता आया है, उस कुंडा में इस बार लड़ाई खून खराबे तक आ गई। ये टूटी हुई गाड़ियाँ, ये बिखरे हुए कांच, ये बड़े बड़े होल बता रहे थे कि हालात क्या हैं, क्योंकि ये हमला समाजवादी पार्टी के कुंडा प्रत्याशी गुलशन यादव के काफिले पर हुआ। खुद गुलशन यादव ने राजा भैया और उनके सहयोगी अक्षय प्रताप सिंह पर इस हमले का आरोप लगा दिया। एसपी प्रतापगढ़ ने कहा है कि गुलशन यादव सुरक्षित हैं और वो उन पर जो हमला हुआ है उसमें उनको चोट नहीं आई है, ना के बराबर है। गाड़ी का शीशा टूटा है, गाड़ी में थोड़ी डेंट आई है, लेकिन बाल बाल बच गए हैं गुलशन यादव। और गुलशन यादव से जब मेरी बात हुई, उनका कहना है कि मैं सवेरे से जब प्रचार प्रसार कर रहा था, बहुत जगह मुझे रोकने की कोशिश की गई, बहुत जगह समझाने की कोशिश की गई, बहुत जगह मुझे ये बताने की कोशिश की गई कि तुम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, बहुत ज़्यादा सक्रिय बने हो, बहुत ज़्यादा घूम रहे हो, बहुत ज्यादा खेल रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। गुलशन यादव ने ये आशंका सवेरे ही जताई थी। गुलशन यादव का आरोप है कि जब वो पहाड़गंज से गुजर रहे थे, तभी 50 से ज्यादा लोगों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें कई राउंड गोलियां चली, जिसके निशान गाड़ियों पर मौजूद है। तो हम पहाड़पुर तरफ से निकल रहे थे, पहाड़पुर बनोही की तरफ से, तो वहां मेरी गाड़ियों पे फायरिंग की गई, एकदम जानलेवा हमला हुआ, 3 गाड़ियां तोड़ दी गईं। ठीक लोग इसमें थे, इसको भी इसको ईंटे से तोड़ दिए, फेंक फेंक के मारे, पथराव कर दिए यहाँ पे। जी, इसमें आपकी सिक्योरिटी के लोग थे, सिक्योरिटी के बावजूद भी हमला हुआ? बिल्कुल हमला हुआ, सिक्योरिटी के सामने सब कुछ हो रहा है। अच्छा, और यहाँ का प्रशासन मुख दर्शक बना बैठा है। इस हमले के चश्मदीद वो पुलिस वाले भी हैं जो उस वक्त गुलशन यादव के काफिले की सुरक्षा में तैनात थे, जिन्होंने एबीपी गंगा के कैमरे पर हमले की बात को खुद कबूल किया है। के ऊपर भी हमला हो गया? बिल्कुल हमला हुआ, पूछिए आप, बात कर लीजिए, खुद सामने खड़े हैं आपके। ये पुलिस के आप लोगों पे भी हमला हुआ? अभी आप लोग बैठे हुए थे? हाँ, बैठे थे, पथरा हुआ है। तो क्या आप लोग इसी गाड़ी में थे, स्कॉर्पियो में? हाँ, स्कॉर्पियो में थे। तो चोट लगी किसी को? चोट तो नहीं लगी। चोट नहीं लगी, कितने लोग थे? हम लोग तब तक उतर गए थे। अच्छा, तुरंत उतर, हमला होते ही आप गाड़ी से उतर गए थे? कितने लोग थे? हम 5 लोग 4 लोग इसमें थे। वहीं इस हमले की शिकायत समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से की है, लेकिन साथ ही आरोप लगाया कि शिकायत करने के बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। कुंडा में हमला किया गया, हमारे पार्टी के उम्मीदवार गुलशन यादव के ऊपर उसकी गाड़ी तोड़ दी गई, उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, बूथों पर कब्जा किया जा रहा है, वोट नहीं डालने दी जा रही है और धमकी दी जा रही है कि चुनाव के बाद इस शाम को फिर हम देख लेंगे। हालांकि इस हमले में कितना सच है और कितना झूठ, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कुंडा सीट की बात करें तो 1993 से यहाँ राजा भैया चुनाव जीतते आए हैं, जहाँ 2002 के बाद से सपा ने कभी राजा भैया के सामने प्रत्याशी नहीं उतारा। 2012 में जब सूबे में अखिलेश यादव की सरकार बनी, तब राजा भैया जेल मंत्री बने थे, लेकिन इस बार कुंडा में समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा तो कुंडा की लड़ाई न सिर्फ दिलचस्प हो गई, बल्कि जिस सपा के साथ राजा भैया का पुराना दोस्ताना रहा, अब उसी के साथ
अदावत हो गई। कुंडा के लोगों, यहाँ पर जो लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी न खोल पाए। जब एक नेताजी ने कहा कि सर कुंडा में कुंडी लगा देंगे या कुंडा को कुंडी बना देंगे, हम कहे धरती पर अभी कोई माई कलर पैदा नहीं हुआ है। कुंडा कुंडा है, जब बहुत हो गया सुनते सुनते तब इस बात पे हम आज प्रतिक्रिया कर रहे हैं। कुंडा की लड़ाई इस बार कौन जीतेगा, इसका फैसला जनता ने अपने वोट से कर दिया है। अब 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो साफ हो जाएगा कि यहाँ राजा का सिक्का चलेगा या फिर सपा का गुलशन खिलेगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि वोटिंग के दिन जो हमला गुलशन यादव के काफिले पर हुआ, क्या उस पर चुनाव आयोग कोई संज्ञान लेगा? प्रतापगढ़ के कुंडा से वीरेश पांडे की रिपोर्ट। अब बात गोरखपुर में गदर चालू बाकी, क्योंकि ये यूपी चुनाव का सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र है जहां यूपी की सबसे बड़ी लड़ाई है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है जिसकी गोरखपुर शहर सीट से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार अखिलेश गोरखपुर में धुआंधार प्रचार कर योगी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये लगातार दूसरा दिन था जब एक तरफ योगी थे और दूसरी तरफ अखिलेश यादव। यूपी का सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र गोरखपुर की रणभूमि में योगी वर्सेस अखिलेश। और ये इनकी भाषा इसलिए बदल गई क्योंकि जनता ने इनकी खटिया खड़ी कर दी है। पुल पर सियासत हाई, लड़ाई मिसाइल पर आई। बुलडोजर की आहट से ही वे लोग घबराए हुए हैं, अभी से टिकट बुक करा रहे, भगदड़ मची हुई है। जिन्होंने वादा किया था मिसाइल बनाने का, वो आज तक माचिस की तिल्ली नहीं बना पाए। यूपी की सबसे बड़ी फाइट गोरखपुर में किसका भोकाल टाइट? भागने की फिराक में जिसके पास साधन है वो इंग्लैंड भाग रहा है, जिसके पास साधन नहीं है वो नेपाल भागने की फिराक में। लेकिन गोरखपुर में गदर चालू बा, वहां की जनता ने तो मन बना लिया है कि बाबा जी को गोरखपुर भेज देंगे, यही मठ में भेज देंगे। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी लड़ाई प्रदेश की सबसे हॉट सीट पर आ पहुंची है। सबकी निगाहें गोरखपुर की शहर सीट पर टिकी हैं, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ अपना पहला विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ अखिलेश इसी गढ़ में सेंधमारी कर बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहली बार था जब एक नहीं दो दिन तक गोरखपुर में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ एक दूसरे को ललकारते नजर आए। हमारे पास एक यंत्र है, वह हाईवे भी बनाता है और माफियाओं को भी कायदे से लेकर के चलता है, और इसीलिए बुलडोजर की आहट से ही वे लोग घबराए हुए हैं, अभी से टिकट बुक करा रहे, भगदड़ मची हुई है। जिन्होंने वादा किया था मिसाइल बनाने का, वो आज तक माचिस की तिल्ली नहीं बना पाए। अगर माचिस की तिल्ली बनाई हो तो बता दें हमें। गोरखपुर यूपी की सियासत का वो किला है जो योगी आदित्यनाथ के ही इर्द गिर्द घूमता रहा है, फिर चाहे सूबे में किसी भी पार्टी की हवा हो, यहाँ वही होता है जो गोरखनाथ मठ से तय होता है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ सभी जातीय समीकरण धराशायी हो जाते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर की 9 में से 8 सीटों पर भाजपा जीती, जबकि 1 सीट बसपा को मिली थी। लेकिन इस बार अखिलेश इस तिलिस्म को तोड़कर नया इतिहास लिखने की कोशिश में जुटे हैं। दरअसल 2018 में जब लोकसभा का उपचुनाव हुआ था तो अखिलेश यादव ने भाजपा के इस किले में सेंधमारी कर दी थी। यही वजह है कि इस बार अखिलेश हर मोर्चे से योगी पर सीधा हमला बोल रहे हैं। बताओ हवाई जहाज भेज दिए कि नहीं भेज दिए? और हवाई जहाज जहाँ खड़े होते हैं
वो हवाई अड्डे भेज दिए कि नहीं भेज दिए। आप जानकारी कर लेना, रेलगाड़ियां बिक रही हैं, रेलवे स्टेशन में जो कीमती जमीनें हैं वो भी बिक रही हैं। जब सब बिक जाएगा तो फिर क्यों नौकरी और रोजगार देना। ये चुनाव ऐसा भी है कि हमें और आपको मिलकर के अपना लोकतंत्र भी बचाना है। लोकतंत्र के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है उस संविधान को बचाने का भी ये चुनाव है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या अखिलेश गोरखपुर में योगी को घेर पाएंगे? क्या जो ब्राह्मण कार्ड योगी के सामने चला है वो काम करेगा? इसके लिए यहाँ का सियासी समीकरण भी समझना होगा, क्योंकि यहाँ 95,000 कायस्थ, 55,000 ब्राह्मण, 50,000 मुस्लिम, 25,000 क्षत्रिय, 45,000 वैश्य, 25,000 निषाद और 25,000 यादव वोटर हैं, जबकि 20,000 दलित और 30,000 पंजाबी, सिंधी और बंगाली के साथ साथ सैनी वोटर हैं। मतलब कुल 4,50,000 वोटर हैं। ये भाजपा का कितना बड़ा गढ़ है इसे इस बात से समझ सकते हैं कि 12 बार चुनाव हुए जिनमें से 7 बार भाजपा जीती और पिछले 4 बार से योगी के करीबी राधा मोहन दास अग्रवाल चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन ये समीकरण इस बार काम करेगा क्योंकि सुभावती शुक्ला के सहारे अखिलेश की कोशिश जहां ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम वोटर को एकजुट करने की है, वहीं दलित वोट पर आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद की नजर है जो इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब गोरखपुर शहर सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या इस बार गोरखपुर शहर में गदर होगा या फिर एक बार फिर योगी का राज चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात करेंगे मोदी के ब्रह्मास्त्र की, क्योंकि यूपी का चुनाव अब पूर्वांचल पहुंच गया है जो तय करेगा कि यूपी में किसकी सरकार बनेगी। क्योंकि जिस तरह दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है ठीक उसी तरह लखनऊ का रास्ता पूर्वांचल से होकर जाता है। आज पीएम मोदी काशी पहुंचे जहां पीएम मोदी ने काशी को हथियार बनाकर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं काशी विश्वनाथ के दर्शन कर पूर्वांचल की लड़ाई में काशी का रंग मिला दिया, जहां पिछली बार भाजपा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सभी सीटें जीत ली थी। काशी का कुरुक्षेत्र, मोदी का ब्रह्मास्त्र, चक्रव्यूह का आखिरी द्वार, मोदी ने चली आखिरी चाल। काशी जिताएगा यूपी की बाजी। यूपी का चुनाव पूर्वांचल पहुंच गया है, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े गढ़ काशी पहुंच गया है, जहां सातवें चरण में 7 मार्च को वोट डाले जाने हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अभी काशी में डेरा डाल दिया है। रविवार को जब 5वें चरण के वोट डाले जा रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी काशी में अपने 20,000 बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी खुली जीप में सवार होकर पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला किया। बहुत अच्छी बात है, 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहे, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। काशी में मेरी मृत्यु की कामना की गई तो वाकई मुझे बहुत आनंद आया, मेरे मन को बहुत सुकून मिला। इसका मतलब ये कि मेरी मृत्यु तक न काशी के लोग मुझे छोड़ेंगे और ना ही काशी मुझे छोड़ेगी।